दिग्रस दारवा महामार्ग पर मानोराज चौक से चिचोली मार्ग का अधर में लटका हुआ निर्माण कार्य आमी दिग्रस करके रास्ता रोको आंदोलन के बाद भी कुछ खास रफ्तार पकड़ नहीं पाया है। पेश है दिग्रस के संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रस शहर के राहगीरों, वाहन चालकों और यात्रियों के लिए बीते 3 से 4 सालों से जारी दिग्रस दारवा मार्ग का निर्माण कार्य का जंजाल साबित हो रहा था। ऐसे में आमी दिग्रस कर नामक स्थानीय सामाजिक संगठन के बैनर तले इकट्ठा आते हुए बीते माह यानी 11 जून को स्थानीय नागरिक, पत्रकार, नगर सेवक, समाज सेवक, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन का आगाज किया था। उस दौरान पाटिल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों ने कथित कंपनी के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई थी। इस आंदोलन की भनक लगते ही महामार्ग निर्माण विभाग के इंजीनियर, राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग के अधिकारियों ने दिग्रस तहसीलदार राजेश वसीरे और थानेदार सोनाजी आमले आदि अधिकारियों की मौजूदगी में मानोराज चौक पहुंचकर 10 जुलाई तक मानोराज चिंचोली मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने रास्ता रोको आंदोलन को पीछे लिया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र निर्माण हो या कोई अन्य बड़ी परियोजना, उसको निर्धारित समय पर साकार करना प्रशासन और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जिम्मे में होता है। ऐसे में जहां तक दिग्रस दारवा महामार्ग या दिग्रस चिंचोली मार्ग की बात करें तो कथित पाटिल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी और राज्य महामार्ग विभाग दोनों की लापरवाही चरम पर है, क्योंकि आंदोलन के बाद वादे के मुताबिक 10 जुलाई तक रास्ते का काम मुकम्मल नहीं हुआ है, जिससे संबंधित कंपनी और प्रशासन के खाने के दांत अलग और बताने की अलग वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक दिग्रस दारवा महामार्ग पर दिग्रस चिंचोली मार्ग के निर्माण में इस्तेमाल में लाई जा रही सीमेंट, सरिया आदि निर्माण कार्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में दिग्रस दारवा महामार्ग का काम किसी तरह शुरू तो हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो रास्ते की लेवलिंग में अत्यधिक मिट्टी, निचले दर्जे का सीमेंट और सरिया इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अंदाजा है कि निचले दर्जे की सामग्री से भविष्य में इस मार्ग के रखरखाव संबंधी समस्याएं सर उठा सकती हैं। ऐसे में संबंधित मार्ग के काम का दोबारा मूल्यांकन करने और तत्काल उक्त मार्ग का काम पूरा करने की मांग दिग्रस वासी कर रहे हैं। मिशन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।